हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कैसे करी। हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज से, यानी कि ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू हमारे पास आई के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो क्यू है वो हमारा सोर्स चार्ज रहता है बच्चा, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास है सोर्स चार्ज, और आर जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर के बराबर। आर बी द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। देखो बच्चों, हमारा आज का जो काम है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हमें काम करना है, और हमें बोला गया है कि इक्वेटोरियल लाइन पे आपको काम करना है। तो हमने एक इक्वेटोरियल लाइन ली, पहले हमें चाहिए एक डाइपोल। मान लीजिए ये मेरे पास डाइपोल है बेटा। डाइपोल का मतलब होता है बच्चों दो पोल, एक इसमें पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा हमारे पास होगा नेगेटिव पोल, और दोनों के बीच का जो गैप है वो हम 2L के बराबर ले लेते हैं। 2L बी द लेंथ ऑफ डाइपोल ए, और ये बी जितनी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे उतनी अमाउंट का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसे हमने कहा है सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर से OA का डिस्टेंस, OA इज इक्वल टू L एंड OB इज इक्वल टू L, यानी कि आपने लिखा कि AB इज इक्वल टू 2L एंड 2L बी द लेंथ ऑफ डाइपोल। दिस इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल की जो लेंथ है बच्चा वो हमने ली है बेटा 2L के बराबर। अब बात क्या है कि हमें इस डाइपोल के इक्विटोरियल लाइन पे काम करना है। इक्विटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है और परपेंडिकुलर रहती है एक्सिस का, जो सेंटर से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इक्विटोरियल लाइन का मतलब है जो लाइन सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करेगी और परपेंडिकुलर रहेगी किसका, एक्सियल लाइन का। हमने इस ओ से किसी डिस्टेंस आर पे किसी पॉइंट पी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बच्चा। तो हम पी पॉइंट पे एक रख देते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैं ले लेता हूँ क्यू नॉट, जो कि पॉजिटिव है एंड वेरी वेरी स्मॉल है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब हमें करना क्या है बेटा कि हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सोर्स कितने हैं बच्चों, सोर्स हमारे पास दो हैं, ये भी अपने आप में सोर्स है, ये भी अपने आप में सोर्स चार्ज है, और दूजा भी सोर्स चार्ज है, दूजा भी सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है, दूसरा भी सोर्स चार्ज है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो पॉजिटिव है पी पॉइंट पे बैठे पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा। धक्का जिस डायरेक्शन में मारेगा वही डायरेक्शन बनने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको चार्ज नंबर पहला मान लेते हैं हम, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर फर्स्ट। अब इसको हम मान लेते हैं चार्ज नंबर दूसरा जो कि निगेटिव है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, और ये पॉजिटिव बेचारा बिल्कुल मरा सा चार्ज है, बिल्कुल मरा सा चार्ज है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है, यानी कि ये इसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बनेगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, अगर पी पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास दो वेक्टर ऐसे आ चुके हैं, एक ई वन वेक्टर और एक ई टू वेक्टर, जिन दोनों वेक्टर का ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट है। उन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, ऑपोजिट ऑर्डर है बेटा। अगर अपोजिट ऑर्डर होता है तो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू। ई वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, कितनी होनी चाहिए, के क्यू, क्यू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कितना हमारे पास प्लस क्यू, तो क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट, सोर्स और टेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है एपी, तो एपी का पावर क्या कर दो टू, एपी का पावर टू। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ एपी फ्रॉम द ट्राइंगल एओपी, ट्राइंगल एओपी को आप ध्यान से देखिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एपी का पावर टू इज इक्वल टू एओ का पावर टू प्लस ओपी का पावर टू, एंड यू कैन चेक फ्रॉम हियर दिस इज आर स्क्वेयर प्लस दिस इज एल स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू एपी का स्क्वेयर, सो वी कैन से एपी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। इन सिमिलर वे इन ट्राइंगल पी ओ बी या ओपीबी, ओपीबी ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पीबी की वैल्यू हम निकाल लेंगे आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का क्या बेटा, रूट, अंडर रूट। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इसका स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर करना है एपी का, तो हमारे पास के क्यू डिवाइड बाय स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। इन सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर सेकंड, सेकंड चार्ज इज नेगेटिव एंड वी शुड नॉट यूज द नेगेटिव वैल्यू हियर, क्योंकि नेगेटिव हमें डायरेक्शन के लिए हेल्प करेगा बस केवल, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से जुड़ा होता है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया क्यू के बराबर, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब पीबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया बेटा एल स्क्वायर, और इसको मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर वन का के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड है मेरे पास दूसरे फील्ड का जिसकी वैल्यू है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और मैं क्या देख पा रहा हूं कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, एज ई वन इज इक्वल टू ई टू, एज ई वन इज इक्वल टू ई टू, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों वेक्टर अपोजिट ऑर्डर के हैं। अब अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर हैं तो हमें पैरेललोग्राम लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। अब लेते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ का हेल्प और रिजल्टेंट बनाते हैं बच्चों, देखो कैसे रिजल्टेंट बनाएंगे बेटा, पैरेललोग्राम लॉ का हेल्प लेके, ये देखो पैरेललोग्राम बनाया मैंने पूरा, ठीक है ना, पूरा बनाया पैरेललोग्राम ये देखो, और मैंने कहा कि डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ये डायगनल बना और ये जो डायगनल होगा यही डायगनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। जे मैं वेक्टर की बात करता ना बच्चों तो ठीक है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाता, अगर मैं वेक्टर की बात करता तो मेरा फिर रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाता, यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, ई है, वो किसके इक्वल आ जाता, ई वन प्लस किसके इक्वल, ई टू के इक्वल आ जाता, ई वन प्लस ई टू के इक्वल आ जाता वेक्टर फॉर्म में मैं बात करता तो, बट मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए। मान लो कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अब ये जितना एंगल ई वन के साथ बनाएगा उतना ही एंगल तो ई टू के साथ बनाएगा ना बच्चों, ठीक है ना, सेम एंगल बनेगा दोनों के साथ, थीटा थीटा, यानी कि ई वन और ई टू के बीच में एंगल कितना बना, टू थीटा, ई वन और ई टू के बीच में एंगल कितना बना बच्चों, टू थीटा। तो अब आप पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा ई वन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ई टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ये रिलेशन फाइंड आउट हुआ था। अब हमने कहा कि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है तो यानी कि ई वन की जगह क्या रख दो, ई टू रख दो, तो आपके पास ई इज इक्वल टू आएगा, ई वन की जगह रख दो ई टू, तो ई टू का पावर टू, ई वन की जगह रख दो ई टू, तो ई टू को ई टू ही रहने दो प्लस टू, ई वन की जगह रख दो ई टू, तो ई टू इंटू ई टू कॉस ऑफ टू थीटा, कॉस ऑफ टू थीटा, टू थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वन वैक्टर एंड ई टू वैक्टर, ध्यान रखिएगा, तो यहां से हमारे पास आ गया टू ई टू का पावर टू प्लस टू ई टू का पावर टू और कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और इसका क्या आ गया बेटा अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर कॉमन है बच्चों टू ई टू का पावर टू, अंदर बचेगा बेटा वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा, और इसका क्या है बेटा अंडर रूट, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड। अब वन प्लस कॉस टू थीटा सबको आता है, बट जब बायो वाले बच्चों को बोला जाता है ना कि इस तरह की कैलकुलेशन सॉल्व करो, तो वो कहते हैं कि इसीलिए तो हमने बायो ली थी कि हमें मैथमेटिक्स ना करना पड़े, और अब आप लोग कह देते हो कि मैथमेटिक्स करो। ठीक है, तो बायो वालों के लिए मैं वन प्लस कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि बाद में वो ताने मारते हैं मुझे, मुझे कहते हैं कि सर देखो हमने बायो इसीलिए ली थी, है ना। कॉस टू थीटा की वैल्यू, कॉस को कॉस से स्टार्ट करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो ये लो बायो वालों, ये काम मैंने आप ही लोगों के लिए स्पेशल किया है, तो जितने भी बायो के बच्चे बैठे हैं वो खुश हो जाओ बेटा, ये देखो ये स्टेप भी मैंने आपको करके दे दिया, नहीं तो मैं सिंपल सीधा भी बता सकता था कि लो जी इसकी वैल्यू रख दो टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, और लाइफ में कभी शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो काम ज्यादा मेहनत करके होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, वो आ गया टू ई टू कॉस ऑफ थीटा। अब ई टू की वैल्यू रख दो बच्चा, ई टू की वैल्यू कितनी है बेटा, ई टू की वैल्यू है बेटा के क्यू डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा एल स्क्वायर, कोस क्या होता है बेटा इनटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, कोस की वैल्यू होती है बेटा बेस अपॉन हाइपो, तो यानी कि यहाँ पे बेस अपॉन हाइपो। ठीक है ना बच्चा, तो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल नंबर पहली ये है, ठीक है ना, पहली ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये है, ठीक है ना, दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये है। अब देखो भाई बच्चों कि पहली और दूसरी ट्राइंगल में से कोई भी ट्राइंगल लो आप और लिखो टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस कोई भी ट्राइंगल का बेस, हर का बेस एल के बराबर है, हाइपो हर एक का हाइपो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट के बराबर है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या बना के क्यू इंटू टू एल, टू एल बी द लेंथ ऑफ डाइपोल ना बच्चा, और ये बन गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 1+1/2, कितना बना 1+1/2 होता है 3/2। अब ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो भाई बच्चों कि जब मैं क्यू इंटू टू एल को देखता हूँ, क्यू का मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ डाइपोल, तो मुझे याद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये क्या है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट, दिस इज क्यू इंटू टू एल, बच्चा क्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज किस पे है ये चार्ज डाइपोल पे, डाइपोल का चाहे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ले लो आएगा क्यू ई इंटू टू एल, टू एल बी द लेंथ ऑफ डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज के इंटू पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर कितना, रेज टू पावर 3/2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके लिए आई है बेटा ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो यू कैन सी कि दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड दीज बोथ आर अपोजिट टू इच अदर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, इन केस ऑफ एक्सियल लाइन दैट एंगल वाज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट एंगल वाज इक्वल टू 0 डिग्री, बट हियर
वी हैव द एंगल, दैट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना बेटा। 180 डिग्री का एंगल रहेगा किस किसके बीच में, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल रहेगा 180 डिग्री का। दूसरी एक बात देखिए बच्चों, कि हमने तो आपको बताया कि डायपोल्स जितने भी बनते हैं उनकी लेंथ बहुत ही ज्यादा कम रहती है, ठीक है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा कम रहती है किसके कंपैरिजन में, उस पॉइंट के कंपैरिजन में जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि अगर यहां मैं ऐसा बोलूं, इफ आर बिकम्स मच मच ग्रेटर देन एल, अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ जाए एल से, देन हम क्या कर देंगे, देन हम नेगलेक्ट कर देंगे एल को, नेगलेक्ट कर देंगे एल को, और एल को नेगलेक्ट करते इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन हमारे पास आ जाएगा बच्चा कितना, के पी डिवाइड बाई आर की क्यूब के बराबर आ जाएगा। हमने कल भी आपको बोला था बच्चों कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्यूब ऑफ आर के, क्यूब ऑफ आर के। आज भी हमारा रिजल्ट वही आया है, बट ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन मेरे पास था कितना, अगर मैं एक्सियल लाइन पे मैं काम कर रहा था तो मेरे पास था के 2p बाय आर की क्यूब, और आज जब मैं इक्विटोरियल लाइन पे काम कराया मैंने तो मेरा रिजल्ट है के पी डिवाइड बाय आर की क्यूब। यानी कि बच्चों अगर मैं इन दोनों की रेशियो देखना चाहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल और इक्विटोरियल की अगर मैं रेशियो देखना चाहूं, तो मेरे पास जो रेशियो रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन, दैट शुड बी इक्वल टू 2:1। यानी कि इन दोनों की जो रेशियो आई है बेटा वो 2:1 के बराबर आई है बच्चों। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए बच्चा, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए बेटा। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एंड एनी पॉइंट किसके एनी पॉइंट पे, ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हमें डील करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पे। तो देखो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो बच्चों हमने डायपोल लिया, डायपोल में हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है नेगेटिव एक है बट पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और लेंथ ऑफ डायपोल हमारे पास फिर से ए बी इज इक्वल टू 2L के बराबर है। यानी कि हमने ए बी इज इक्वल टू क्या लिया है 2L, और 2L हमने क्या लिया है बेटा लेंथ ऑफ डायपोल लिया है बच्चा, लेंथ ऑफ डायपोल हमने लिया है बेटा, लेंथ ऑफ डायपोल हमने लिया। अब देखो बेटा मुझे काम करना है किसी पॉइंट पी पे, एनी पॉइंट है बेटा ये, ना तो एक्सियल है ना इक्विटोरियल है। मान लो ओपी जो है वो एंगल बनाता है कितना, थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, डायपोल मोमेंट के साथ। ओपी ये आर वेक्टर है, ये डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाता है कितना थीटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, इसीलिए हमने नेगेटिव यहां रखा पॉजिटिव उधर रखा बेटा। ये छोटी सी बात हमने थोड़ी सी ध्यान से करनी है बेटा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और थीटा जो एंगल लिया हमने आर और पी के बीच में लिया। अब बेटा जिसके साथ होता है थीटा उसको मिलता है कौन सा कंपोनेंट, पी कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा बेटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा कौन बेटा, इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा पी साइन थीटा। ये देखो बच्चा ये रहेगा आपके पास क्या, पी साइन थीटा, ये रहेगा बेटा पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा अलोंग ओपी, और यहां कोई पॉइंट मान लेते हैं ओक्यू, मान लेते हैं ओक्यू, ओक्यू के अलोंग क्या रहेगा पी साइन थीटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हमें लेना होता है, वो स्टेप होता है कि हम मानते हैं यहाँ पे, ट्रीट कर लो, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि आपके घर खुद का फूफा ना हो तो पड़ोसियों के फूफे को फूफा मान लो, वैसे ही आपने यहां पे ट्रीट कर लिया ओपी को एज एक्सियल लाइन, एज एक्सियल लाइन। अब देखो स्टार्टिंग में हम बहुत सारे दरवाजे अपने लिए खुद खोल के बैठे, कैसे कि आर को हमने ग्रेटर मान लिया, एल एल से ग्रेटर मान लिया, और ओपी को ट्रीट कर लिया एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे रिजल्ट कितना रहता है फिर बताओ, ई एक्सियल का रिजल्ट होता क्या है, ई एक्सियल का रिजल्ट होता है के इंटू 2 पी डिवाइड बाई आर की क्यूब।
लेकिन यहाँ पे एक्सियल पे पी की जगह हमारे पास है पी कोस थीटा। पी की जगह पे कौन है? पी कोस थीटा। तो आप लो यहाँ पे पी कोस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आ गया। अब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आता है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली है जो मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ठीक है ना। तो आप जब दिल्ली में जाएंगे ना बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ब्लू लाइन अलग होती है मेट्रो की, वायलेट लाइन अलग होती है, रेड लाइन अलग होती है। तो ये हमारी ब्लू वाली लाइन जो है ना वो एक्सियल को दिखाती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल, एक्सियल वाले को शो करती है। अब आपको पता है कि इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है? जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करती है। तो ये लाइन देखो OQ सेंटर ऑफ डाइपोल से पास कर रही है, और OP का क्या है बेटा? परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो कोस साइन का परपेंडिकुलर तो होता ही है। अब यानी कि ये क्या होगी? OQ, OQ एक्स एस इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल की तरह काम करेगी, बिहेव करेगी इक्विटोरियल की तरह। OQ एक्स एस इक्विटोरियल, इक्विटोरियल की तरह बिहेव करेगी बेटा। और इक्विटोरियल के केस में जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अरे ये बात तो बहुत शानदार कर दी। यानी कि OQ की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। ये देखो, ये लो जी, इसके पैरेलल मैंने अपोजिट डायरेक्शन डिनोट कर दी। ये जो मैंने अभी ब्लू लाइन फिर से ड्रॉ करी है ना बच्चा, ये किसको डिनोट करेगा बेटा? ये डिनोट करेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन। अब एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो वो तो बाद में यूज करेंगे, पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन का रिजल्ट लिख देते हैं। तो रिजल्ट कितना आएगा? वैसे होना चाहिए कितना? KP डिवाइड बाय आर की क्यू, यही होता है ना रिजल्ट। तो पी की जगह यहाँ पे कौन है? इक्विटोरियल का कंपोनेंट कौन है? पी साइन थीटा। तो लिखो फिर पी साइन थीटा, KP साइन थीटा डिवाइड बाय आर की क्यू। अब देखो बेटा एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप रिजल्टेंट बनाओ बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट से आप रिजल्टेंट बनाओ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया बच्चा? ये आ गया आपके पास ई एक्सियल का पावर 2 प्लस ई इक्विटोरियल का पावर 2, और इन दोनों का क्या कर दोगे आप? अंडर रूट। अब दोनों में से जो कॉमन आ रहा है पहले ले लो आप कॉमन। के कॉमन है दोनों में, पी कॉमन है दोनों में, के पी कॉमन है, आर की क्यूब कॉमन है, यानी कि के पी डिवाइड बाय आर की क्यूब कॉमन है। अंदर क्या बचा? अंडर रूट के अंदर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या? साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भी बच्चों, ये बन गया आपके पास के पी डिवाइड बाय आर की क्यूब, और ये अंडर रूट के अंदर बना 3 2 2 4। मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। 4 cos² थीटा है ना बेटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ बच्चों? मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ बेटा 1 cos² थीटा। अब इसके लिए कलर चूज करना पड़ेगा मेरे को, कौन सा कलर लिखूं मैं? ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। 1 माइनस कौन सा? cos² थीटा। 1 माइनस cos² थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया बेटा 1 माइनस cos² थीटा। ये जो 1 माइनस cos² थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी कि मेरा जो रिजल्ट बन के आने वाला है वो आने वाला है केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, 4 cos² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा प्लस कितना आ गया? 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये मैग्नीट्यूड है बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसे बढ़िया से डब्बे में पैक कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चों। रिजल्ट चाहे हमारा जैसा भी है, पैकिंग बहुत शानदार होनी चाहिए। लो जी पैकिंग हमने शानदार कर दी, हालांकि हमारा ई टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं सारे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा ई इज इक्वल टू कितना है बच्चों? केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, 3 cos² थीटा प्लस 1। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, सारे बच्चे ध्यान से सोचो इस बात को, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री कर दूं, तो थीटा अगर 0 हो जाए तो ये सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ये एक्सियल लाइन वाला केस आ जाएगा, एक्सियल लाइन वाला केस आ जाएगा। थीटा 0 करके देखो तो 3 cos² 0 प्लस 1 आपके पास कितना आएगा बच्चों? बोलो, ये आ जाएगा केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, 3 cos² 0 डिग्री, cos² 0 डिग्री प्लस 1, और इसका क्या? अंडर रूट। यानी कि ये आ जाएगा बेटा केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, ये बन गया बेटा 3 प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो ये आ गया बच्चा K 2P डिवाइड बाय आर की क्यूब। दिस इज
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया बच्चों, और ये एक्सियल वाले को प्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन उसने हमें दी है एक्सियल की। तो ठीक है जी, हमारा जो काम है वो ओके रिपोर्ट है जी। दूसरा, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, तो किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करके चलेगा बच्चा। अगर थीटा हो गया मेरा 90 डिग्री के इक्वल, तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट कैसे होगा बेटा? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास केवल और केवल केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, क्योंकि 1 का रूट 1 के बराबर ही होगा। और ये भी वैल्यू मेरी मैच करती है किसके साथ? इक्विटोरियल वाले रिजल्ट के साथ। यानी कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल सही काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास आ गया केपी डिवाइड बाय आर की क्यूब, और 3 cos² θ + 1 के इक्वल हमारे पास आ गया। तो ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट बना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब चलते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस की ओर, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या प्रेजेंटेशन हमें दी गई है, कैसे हमें उसके साथ डील करना है। एग्जाम्पल नंबर 31 हमारे सामने लिखा पड़ा है, उसे हमें सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। देखो बच्चों कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा एट ए पॉइंट 0, 1, 2, अच्छा ये एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट, ये जेड कॉम्पोनेंट, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चार्ज तो स्केलर होता है बेटा, अब इसमें वेक्टर की मत करने लग जाइयो, ठीक है। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपके पास है, पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना? -20 माइक्रो कूलम, कोई बात नहीं है ना। सिचुएटेड एट पॉइंट बी, अच्छा ए पे निकालना है, और बी पॉइंट पे हमें कहाँ है वो? बी पॉइंट पे बैठा है √2, फिर 0 और फिर 1, ठीक है ना बेटा, फिर 1। तो आपने क्या निकालना है? पहले दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है ए जिसकी वैल्यू है 0, 1 और 2, मीटर में है कोई बात नहीं, और दूसरा पॉइंट बी, बी पे जहां पे कौन बैठा है? √2, 0 और 1, कौन बैठा है? मेरा सोर्स चार्ज बैठा है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो हम कितना आर निकाल लेते हैं बच्चों, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? ये ए मतलब R1 मान लेते हैं चलो इसको, R1 इज इक्वल टू कितना आ गया? J कैप + 2K कैप, राइट। और R2 वेक्टर कितना आ गया बेटा? R2 वेक्टर आ गया बेटा √2 I कैप और प्लस कितना? K कैप, ठीक है ना, +K कैप, √2 I कैप + K कैप। तो ठीक है बच्चों, अब आपको R निकालना है, हमें किस किस पे जाके काम करना है? ए पे जाके काम करना है। तो आप क्या कर दो, R1 - R2, R2 डिस्टेंस पे कौन बैठा है? मेरा सोर्स चार्ज, सोर्स वाले को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -√2 I कैप, माइनस कितना आ जाएगा? R1 - R2 करना है ना, तो +J कैप ही आ जाएगा, और 2 - 1 तो प्लस कितना आ जाएगा? K कैप, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा आर वेक्टर। आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √I का कोफिशिएंट कितना है? -√2, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बेटा, जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देते हैं बेटा, के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देते हैं बेटा। तो ये आ गया बेटा 2 + 1 + 1, यानी कि ये आ गया √4, यानी कि 2 आ गया, सही है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, अगर मेरे को निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है वो है K³/R³ × आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है बच्चों इसका, ठीक है ना बेटा। तो K क्या है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। क्यू आपको दे रखा है 20 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है ना बेटा। और हमारे पास फिर क्या वैल्यू आ जाती है जी? इनटू आर वेक्टर, आर वेक्टर की वैल्यू है जी हमारे पास कितना है? -√2 I कैप + J कैप + कितना? K कैप, ठीक है ना बेटा, डिवाइड बाय R³। R³ मतलब 8 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया भाई आपके पास 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45,
इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना जी, और अंदर है माइनस अंडर रूट 2 इंटू आई कैप प्लस कितना जे कैप प्लस कितना के कैप, ठीक है ना बच्चा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया, मैग्नीट्यूड ही मैं निकाल रहा हूँ, तो 22.5 इंटू 10 की पावर 3 और माइनस अंडर रूट 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना के कैप। अगर हम मुझे इसकी डायरेक्शन डिनोट करनी होती तो फिर मैं नेगेटिव साइन लगाता, नेगेटिव साइन में इसलिए लगाता क्योंकि मेरा सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव है बेटा, सोर्स इज नेगेटिव, सो फील्ड लाइन विल बी इनवर्स, इसकी फील्ड लाइंस जो रहेंगी वो इनवर्स रहेंगी, इसकी जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो इनवर्स रहेंगी बेटा, इसकी फील्ड लाइन कैसी रहेंगी बेटा इनवर्स रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास, हाँ क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म ही बना रहा हूँ, ठीक है राइट राइट राइट, वेक्टर फॉर्म बना रहा हूँ तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, क्यों, ताकि मेरे पास इसकी जो प्रेजेंटेशन आए डायरेक्शन की प्रेजेंटेशन वो इनवर्ड बन गया है बेटा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप चेक करते जाना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बता देना, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास अनम्यूट करने की अथॉरिटी है, बस अनम्यूट करके कोई गाना मत सुना देना, ठीक है, क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग पे है तो फिर मैं ये मुझे अपलोड भी करना है उसके ऊपर, ठीक है ना बेटा, यूट्यूब पे अपलोड भी होगा ये, तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं जी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को, तब तक जब तक हम बोर्ड को अच्छा सजा दें सवार दें तब तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32, चलो जी रीड आउट करते हैं जी, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बोलता है कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट ए एंड बी एज शोन इन फिगर, बहुत ही छोटी सी दिख रही है, हम बड़ी फिगर बनाएंगे, बड़ा डायग्राम बनाएंगे, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी एंड डी, सी के जो डायमेंशन हैं वो 2 √2 और 0 है, अच्छा, ठीक है भाई, बहुत ही मतलब माइन्यूट माइन्यूट से डायग्राम बना रखे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी एंड डी, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो देखो भी बच्चों हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पे, सी मतलब ये आपका बन जाता है क्या, ये बन जाता है इक्वी एक्सियल लाइन, और डी क्या बन जाता है इक्विटोरियल लाइन, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। अब देखो भी बच्चों मुझे काम कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है जी ए और एक पॉइंट है जी मेरा बी, एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, इधर अंडर रूट टू यानी इन दोनों के बीच का गैप ओ यानी कि अंडर रूट टू है ये, और ये भी अंडर रूट टू है, यहां हमने 2 माइक्रो कूलम रखा है 2 × 10⁻⁶, और इधर मैंने रखा है -2 × 10⁻⁶, और इधर कोई सी पॉइंट है जिसका यहां से जो डिस्टेंस है यहां से वो 2 √2 है, मतलब सी पॉइंट का बी से डिस्टेंस अंडर रूट टू है, सीधी सी बात यही है, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो जो कि है क्यू नॉट, जो कि पॉजिटिव है एंड वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। अब देखो बेटा बी पे बैठा नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चा, जबकि ए पे बैठा पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा बेटा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा बच्चा, तो इसको हम चार्ज नंबर मान लेते हैं पहला और इसको हम चार्ज नंबर मान लेते हैं कहाँ गया वो दूसरा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर पहला तो इधर होगा आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर दूसरा इनवर्ड्स होगा, दोनों की वैल्यू निकालिए सब्ट्रैक्ट करिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, जैसे मैं बताता हूँ। अब ई1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप वैल्यू निकालना है डायरेक्शन तो हमें पता है ई1 की आउटवर्ड है, तो के क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो कितना आया 3 √2, तो 3 √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, इस पहले वाले चार्ज का और टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा √2 √2 √2 3 √2, के की वैल्यू रहती है बच्चा 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 3 3 जा 9, 9 × 2 9 × 2 ऊपर वाले से कैंसिल हो गया बच्चा, ये आ गया हमारे पास 10³ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं बच्चों हम, या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, सही है। अब इसी तरह से E2 की वैल्यू निकालिए, जो चार्ज पास होगा उसका फील्ड डोमिनेटिंग होगा K इंटू
चार्ज है आपके पास 2 × 10 का पावर -6 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अंडर रूट टू का स्क्वायर 2, यानी कि ये 9 × 10^9 × 10^-6 दिस बिकम्स 9 × 10^3 न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि रिजल्टेंट फील्ड कितना आ जाएगा, E2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है -E1, दिस बिकम्स 9 - 1 यानी कि 8 × 10^3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी, और रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो बी की तरफ होगा बेटा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बी की तरफ होगा। अब देखो बेटा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास डी। डी पॉइंट पे हमें निकालना है क्योंकि डी तो इक्विटोरियल का है, और इक्विटोरियल का रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विटोरियल का रिजल्ट हमारे पास आता है कितना, केपी डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर था क्या बेटा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस ही था, रेज टू पावर 3/2। आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। के की वैल्यू है बच्चा 9 × 10^9। पी की वैल्यू होती है Q × 2L। Q की वैल्यू कितनी है, 2 μ, मतलब 10^-6 × 2L, 2√2 Q × 2L डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चा, आर की वैल्यू है हमारे पास कितना, √2। L की वैल्यू कितनी है, वो भी √2, तो 2√2 का पावर कितना, 3/2। 2√2 का पावर कितना, 3/2, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं बेटा 9 2 = 18, 18 2 = 36, 36√2 × 10 की पावर कितना, 3 डिवाइड बाय 2√2 × √2 × 2 की पावर कितना, 1/4, 1/4। तो देखिए भी बच्चों, यहां से आपके पास 2√2 तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो 18 × 10^3 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू 1.414, और इसका फिर से अंडर रूट लिया जाए तो 1 के नियरली इक्वल आ जाता है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया बच्चों 18 डिवाइड बाय √2 या 9√2 × 10 की पावर 3, लगभग मैंने इक्विटोरियल लाइन पे रिजल्ट निकाल दिया बच्चों। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू तो मैंने नहीं निकाली बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप काम कर सकते थे बच्चों। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग हुई है बेटा, तो अगर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिएगी आपको तो प्लीज मेरे को बोल देना, मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ उसके ऊपर यूट्यूब पे, तो अभी ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा बेटा। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आ गए हमारे पास। अब बोला कि 6 इक्वल पॉइंट चार्जेस, अगर चार्जेस इक्वल हैं सारे के सारे, ठीक है ना, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, और सेंटर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों बिना ही सोचे समझे इसका आंसर कर दो आप, बिना सोचे समझे सीधा आंसर कर दो कि रिजल्टेंट फील्ड जो रहेगा वो जीरो रहेगा, सीधा बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचना आपने, सोचना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। अगर सारे चार्ज रखे हैं तो आपका जीरो, जे एक चार्ज मिसिंग होता, मान लो मैंने इसको गायब कर दिया, जैसे अभी मैं गायब करने वाला हूँ, ठीक है ना, ये चार्ज मैंने गायब कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, है ही नहीं ये, ठीक है ना, खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो जाए ना बेटा, तो फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा केवल और केवल के इस चार्ज के कारण, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर यहाँ फिर चार्ज होता तो कितना बनता, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो यही आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट फील्ड बनेगा, क्योंकि 6 कॉर्नर वेला है, इसके कारण यहाँ एक जो था जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये बात आप याद रखना। इसके बाद इसने बोला कि सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा बच्चा, जीरो के बराबर रहेगा एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे क्या रहेगा बेटा, वैल्यू जीरो रहेगी। चलो और कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड डिस्क, ठीक है जी। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 34 को देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 34 क्या कहता है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा।
लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है लैम्डा, हमें उसके लिए काम करना है। चलो जी काम करते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं जी, ठीक है ना, हमने अपने तरीके से काम करना है, ये क्वेश्चन हमने अपने तरीके से बनाना है। चलो तो फिर अच्छा सा डायग्राम वाइग्राम बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो हमें दिया है यूनिफॉर्मली चार सेमी सर्कुलर रिंग, पहले सेमी सर्कुलर बनाते हैं, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा जूम करके बना रहा हूँ बच्चों डायग्राम। चलिए अब हम सेमी सर्कुलर बनाते हैं इसको, पहले तो हाफ सर्कल, ये लो जी ये हो गया हाफ सर्कल, ठीक है हो गया। अब देखो बच्चों ये हो गया इसका डायमीटर, हो गया बिल्कुल हो गया जी। हमें काम कहाँ करना है, हमें काम करना है इसके सेंटर पे ओ पे, ये भी रेडियस आर के बराबर है और ये भी रेडियस आर के बराबर है, और इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। ये देखिए ये हमने इसको दे दिया चार्ज, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हमने दे रखा है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रहेगी चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर, और इस हाफ सर्कल की लेंथ रहेगी पाई इंटू आर के बराबर, कंप्लीट की रहती है 2 पाई आर, तो हाफ की रहेगी पाई इंटू आर के बराबर, यानी कि आप यहां से क्यू की वैल्यू ले सकते हैं लैम्डा इंटू पाई इंटू आर के बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना जी। चलिए फिर अपनी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों कि हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसकी खुद की लेंथ बेचारे के डीएल के बराबर है, खुद की लेंथ जो है वो डीएल के बराबर है। मान लो ये एक एलिमेंट है जिसके पास चार्ज है डी क्यू के बराबर, ये लो जी ये एक एलिमेंट है छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना बेटा ये बच्चों आपका डीएल के बराबर है, डीएल के बराबर है राइट। अब इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है बच्चों, चार्ज तो है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इसके पास चार्ज है डी क्यू के बराबर, तो ओ पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, ओ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसके कारण जो मेरी डायरेक्शन बनेगी रिजल्टेंट फील्ड की वो ये वाली बनेगी, ये बन गया मेरा डीई, डीई बन गया। और मान लीजिए कि ये एंगल यहाँ पे बनाता है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बना दो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे कंपोनेंट्स बना दो आप, तो दो कंपोनेंट आपके पास बन जाएंगे, कौन सा, एक इधर जा रहा है ये, तो भाई एक तो इधर वाला आ जाएगा, अच्छा ठीक है जी, और एक इधर वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो भाई, एक बार देखो बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा, जे ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है ना, तो इसकी चोंच से चोंच किसकी भिड़ रही है, इससे भिड़ रही है, यानी कि ये एंगल कितना आ गया आपके पास, थीटा आ गया, ठीक है ना जी। ऐसे ही है ना कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल बनेगा थीटा, सॉरी ठीक है सॉरी, ये एंगल आपका बनेगा थीटा, तो ये आपके पास आ गया डीई कॉस थीटा, ठीक है ना जी, डी कॉस थीटा, और दूसरा आ गया जी डी, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, दूसरा आ गया आपके पास डीई साइन थीटा, फिर भी एंगल का अगर हो कोई मेरे को बता देना बच्चों, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा राइट ना जी। ठीक है बच्चों अब देखो बेटा आगे आगे वाली बात सुनिए, अब हमने क्या कहा कि जब ये डीई कॉस थीटा, क्योंकि ये तो रेडियस के बराबर है, ये भी आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर है, तो चलिए कोई बात नहीं, डीई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, डीई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के इंटू डी क्यू डिवाइड बाय कितना, आर स्क्वायर, ठीक है डीई की वैल्यू आ जाएगी। अब जब डीई ऐसे काम कर रहा था तभी इसका ब्रदर आ गया, क्योंकि इस तरह की ज्योमेट्रीज में इनके भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, ये भी आ गया, ये कहता सर आपने मेरी वैल्यू तो कैलकुलेट ही नहीं करी, हमने कहा सो सॉरी, और हम तुरंत लग गए बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसकी भी लेंथ डीएल ही थी क्योंकि इसका ब्रदर है, इसके पास भी चार्ज डी क्यू है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से आएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा, और ये भी एंगल उसी तरह से बनाएगा, ठीक है, तो इसका भी डीई की जगह डीई डैश लिख देते हैं, और यहाँ पे इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे उसी तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करके, डीई कॉस थीटा और दूसरा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा हमने और नीचे खींच देंगे इसको, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास डीई डैश कॉस थीटा और ये डीई डैश साइन थीटा, साइन थीटा, यानी कि अब आप क्या देख रहे हो बेटा, कोस वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि आप क्या देख रहे हो यहाँ डायग्राम में,
डीई डैश कॉस थीटा इधर लगाए और डीई कॉस थीटा इधर लगाए, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसल आउट कर रहे हैं, यानी कि इधर है डीई कॉस थीटा और इधर है बेटा डीई डैश कॉस थीटा। डीई और डीई डैश का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि सेम एलिमेंट है, एज डीई इज इक्वल टू कितना डीई डैश, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, आपका समेशन, समेशन किसका, डीई साइन थीटा का, डीई साइन थीटा का। अब डीई की वैल्यू हमारे पास है बच्चों कितनी, डीई की वैल्यू है के इंटू डी क्यू डिवाइड बाई कितना आर स्क्वेयर और इंटू कितना साइन ऑफ थीटा। अब देखो भाई बच्चों, डी क्यू की वैल्यू हम लैम्डा के टर्म में निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स डी क्यू डिवाइड बाई डी एल, क्योंकि चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू डी क्यू बाई डी एल के बराबर ही आएगी, ठीक है ना बेटा। और डी क्यू बाई डी एल के बराबर आएगी तो आपके पास डी क्यू की वैल्यू कितनी बन गई, डी क्यू की वैल्यू बन गई लैम्डा इंटू डी एल। अब ध्यान से देखो बेटा कि एज एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। एंगल कितना है यहाँ पे डी थीटा, आर्क कितना है बच्चों यहाँ पे डी एल, रेडियस कितना है आर, तो यानी कि डी एल का जो वैल्यू बनता है वो बनता है आर डी थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ये वैल्यू फटाक से पुट करो बेटा यहाँ पे, तो ये आ गया के इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू आर, डी क्यू का वैल्यू है हमारे पास लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना बेटा, और डिवाइड बाय कितना आर स्क्वायर, ठीक है। समेशन था उसको इंटीग्रेशन में चेंज कर लो क्योंकि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास के लैम्डा डिवाइड बाय आर, बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कितनी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं इसके सेंटर में काम कर रहा हूं, इधर से मैं हाफ जाऊं, इधर से मैं स्टार्ट हुआ हूं 0 से पाई बाय 2, ठीक है ना, पाई बाय 2 जा सकता हूं और इधर से भी मैं 0 से पाई बाय 2 यानी कि आपकी लिमिट ले लो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 देखो बेटा लिमिट को ध्यान से देखियो, मैं यहां से चला था बेटा तो मैंने क्या काम करा, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 मैंने लिमिट ली है बच्चों, ठीक है ना बेटा, अगर मैं इसके सेंटर पे काम कर रहा हूं तो, ठीक है, या 0 टू पाई लूं, चलो मैं चेक करता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया के लैम्डा डिवाइड बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन क्योंकि को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, माइनस ये आ गया आपके पास कितना, साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और अगर मैं इसको रख दूं माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू कोस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस पाई बाय टू की वैल्यू तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ हमें एंगल कितना लेना पड़ेगा 0 से, यहाँ से रोटेशन लेना पड़ेगा 0 टू 180 डिग्री, 0 टू 180 डिग्री अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा बेटा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा और 1 मिनट में हम किसी चीज को खत्म होने देंगे नहीं। तो हमारे पास यहाँ क्योंकि हाफ सर्कल है, 0 टू पाई आप रोटेशन लेके चलेंगे, 0 टू पाई का रोटेशन लेंगे आप, 180 डिग्री का रोटेशन लेंगे, चलिए जी 180 डिग्री का रोटेशन लेते हैं, 0 टू पाई, 0 टू पाई, ठीक है ना। तो हम लिमिट पुट करते हैं माइनस ऑफ के लैम्डा डिवाइड बाय आर, मेरे पास आया कोस पाई माइनस कितना कॉस 0 डिग्री, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, ये मेरे पास बना माइनस ऑफ के लैम्डा डिवाइड बाय आर, कोस पाई 180 डिग्री मतलब -1 कॉस 0 -1, यानी कि ये आ गया के 2 लैम्डा डिवाइड बाय आर, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे वैल्यू आ गई मेरी के इंटू 2 लैम्डा डिवाइड बाय आर, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से लेकर पाई तक लेना है बच्चों आपने, यही बात यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और ये बात आपने याद भी रखनी है बच्चों कि यहाँ लिमिट, क्योंकि अगर मैं माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 लेता ना तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, और करा कराया सारा काम खराब हो जाता बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।